हिमाचल प्रदेश को उड़ता पंजाब बनाने की तर्ज पर नशे के कारोबार में जुटे नशा तस्करों के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी गहरे नजर आने लगे हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ नाइजीरियन के नशा तस्करों का है। पूर्व में कई नाइजीरियन पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला सोलन में सामने आया है, जिसमें धर्मपुर पुलिस ने स्थानीय युवक से हुई पूछताछ के बाद दिल्ली के द्वारका से दो विदेशी मूल के तस्करों को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों धर्मपुर पुलिस ने नाके के दौरान अर्की के युवक को 13.95 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था, जिसे पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने नाइजीरिया के दो युवाओं को दिल्ली के द्वारका से गिरफ्तार किया है। नशा तस्करी के आरोप में पुलिस ने नाइजीरिया के 29 वर्षीय इनोसेंट ओलू चुकबू और 35 वर्षीय स्टीफेन चिटूबेम को गिरफ्तार किया है। मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने कहा कि सोलन पुलिस करीब एक वर्ष में अब तक 10 विदेशी मूल के नागरिकों को गिरफ्तार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सोलन पुलिस का नशे के खिलाफ चलाया गया अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं कि हमने अभी तक टोटल 10 विदेशी मूल के व्यक्ति जो है वो चिट्टा या मादक पदार्थों के अधिनियम के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया है और हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। इस साल अब तक 63 मुकदमे नशे के संदर्भ में दर्ज किए जा चुके हैं और हम नशे के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखेंगे। मेरा सोलन की जनता से ये अनुरोध है कि वो हमें सूचना देते रहें और हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।